अपराधी और अवैध धंधों को जड़ से उखाड़ने में जुटी शहर पुलिस ने धारदार हथियार और कट्टे कारतूस की बरामदगी के लिए एक विशेष मुहिम चलाई। इसी के तहत शांतिनगर पुलिस ने एक तड़ीपार आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ सीतामढ़ी पुलिस थाना में पहले भी कई मामले दर्ज होने की जानकारी पुलिस उप निरीक्षक अरुण बकाल ने दी। शहर पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार के मार्गदर्शन में पुलिस विभाग ने विशेष अभियान शुरू किया है। इसके अंतर्गत 26 अक्टूबर की शाम 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक शहर के अलग अलग इलाके से 31 आरोपियों को अवैध हथियार के साथ पकड़ा गया। इसी के तहत शांतिनगर पुलिस ने भी कार्रवाई कर एक तड़ीपार आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। मिली जानकारी के अनुसार शांतिनगर पुलिस गश्त पर थी, जिस दरमियान उन्हें एक युवक संशयास्पद अवस्था में दिखाई दिया, जिसके बाद उसकी छानबीन पर पुलिस को उक्त युवक से अवैध हथियार मिला। वही उसका क्राइम रिकॉर्ड खंगालने पर वह तड़ीपार आरोपी होने की बात सामने आई। इस संदर्भ में पुलिस उप निरीक्षक अरुण बकाल ने अधिक जानकारी साझा की। माननीय पुलिस उपायुक्त साहब डिटेक्शन यांचे आदेशान्वय संपूर्ण नागपूर शहरामध्ये अवैध शस्त्र बाळगणारे यांच्या विरुद्ध आम्ही मोहीम राबवित असताना, स्टॉप्स आम्ही एरियामध्ये पेट्रोलिंग करीत असताना गुप्त बातमीदारांद्वारे माहिती मिळाली। बस्तरवाडी या ठिकाणी एक संशयितरित्या फिरत आहे। आम्ही सापळा रचून त्याला ताब्यात घेतलं। त्याच्याजवळ शस्त्र एक चाकू मिळाला, त्यामुळे आम्ही त्याला अटक केली। त्याला आम्ही क्राईम रेकॉर्ड चेक केला असता तो पोलीस स्टेशन बर्डी हद्दीतून 1 वर्षाकरिता नागपूर शहरातून तडीपार असल्याचे समजले। या मोहिमेदरम्यान ही खूप मोठी चांगली कारवाई आमची झालेली आहे। शांतिनगर पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई में उन्होंने निखिल उर्फ मोंटी मलिक को गिरफ्तार किया। बता दें कि निखिल को 1 साल के लिए पुलिस ने तड़ीपार किया था। वहीं शहर पुलिस द्वारा चलाई जा रही इस मुहिम से अपराधियों में हड़कंप मच गया है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़ नागपुर।